सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y36 डिवाइस के अंदर आप जो है रीसेट ओल्ड सेटिंग को यूज कैसे करेंगे। अगर अपने फोन को आप रीसेट करना चाहते हैं, बाय मिस्टेक लिए आपने कुछ सेटिंग्स ओपन कर दी एंड वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, आप उसको रीसेट करना चाहते हैं, वो भी विदाउट डाटा लॉस के आप सॉल्व करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम्स को, तो आसानी से कर सकते हैं। इवन मैं आपको रीसेट के टोटल ऑप्शन को यूज करना सिखाऊंगा जिससे आप जो विदाउट डाटा ऑप्शन लॉस किए हुए आप आसानी से फोन सेटिंग को रीसेट कर सकें एंड किस सेटिंग को एक्सेस करने से हमारे प्रॉपर जो इसके अंदर अपने डाटा वगैरह रखा है वो डिलीट हो जाता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अभी चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं रीसेट ऑल सेटिंग को यूज कैसे करना है। गाइस फोन के अंदर रीसेट ऑल सेटिंग को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें सेटिंग्स को ओपन करना होगा जो हमने ऑलरेडी करा हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, एक सेटिंग्स आपको मिलती है यहाँ पर सिस्टम का, आप नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके सिस्टम सेटिंग्स आपको नीचे देखने को मिलती है। ये सिस्टम सेटिंग्स ऑलमोस्ट सभी फोनों में मिल जाती है, इसको आप एक बार प्रेस करना। ये फंटस ओएस 12 और 13 में देखने को मिलता है, इवन जितने भी न्यू डिवाइस हैं सब में आपको सेम यूआई मिलता है देखने को। अब इसमें आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन का, इसको प्रेस करना। इसमें आएंगे तो वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का रीसेट ऑप्शन है, रीसेट ऐप परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, प्रेफरेंस का ऑप्शन है और रीसेट ऑल सेटिंग है और यहाँ इराइज ऑल डाटा जिसमें हम फैक्ट्री डाटा रीसेट भी बोलते हैं। अब देखो इससे होता गया, जो पहला ऑप्शन है अगर मान लीजिए ब्लूटूथ और वाईफाई आपका कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा है एंड कुछ भी मेजर प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ रही है तो आप उसको रीसेट कर सकते हो प्रॉपरली, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इसकी मदद से। देन अगर आपकी एप्लीकेशन जो है परफॉर्म नहीं अच्छे से कर रही है, आप उसको क्लिक कर रहे हो ब्रेक हो रही है बार बार, जैसे होता है कि आप एप्लीकेशन को प्रेस करते हैं ओपन करने के लिए वो ब्रेक हो जाती है, मतलब कि ओपन नहीं होती, तो आप उसको भी रीसेट कर सकते हैं। लेकिन आपको बात का ध्यान रखें, जब आप इस ऐप प्रेफरेंस को रीसेट करते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह अगर आपने बना के रखा हुआ तो उसको वापस से बनाना पड़ता है, मैंने इसको ट्राई करा हुआ है तो इस बात को ध्यान में रखें, इसको ट्राई करें। रीसेट ऑल सेटिंग अगर यूज करते हैं तो आपने जितनी भी सारी सेटिंग्स कर रखी है, ऐप लॉक, ऐप फाइंड, इवन थीम्स, फॉन्ट, व्हाटएवर कुछ भी आपने चेंज करा हुआ है अपने फोन के अंदर, वो टोटल सेटिंग्स रीसाइज हो जाती है, रीस्टोर की मतलब जिस तरह से पहले था वैसे हो जाता है। तो रीसेट अगर करना है तो आप कर सकते हो, टोटल सेटिंग्स रीसेट हो जाती है, जिस तरह से थी पहले फोन वैसे ही आपको देखने को मिलता है। और इराइज ऑल डाटा में क्या होता है गाइस, इसमें जो है जब आपके फोन में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आती है और उसे इस सभी ऑप्शंस को यूज करके भी सॉल्व नहीं होती तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम पूरे फैक्ट्री डाटा रीसेट कर दें फोन का। तो इसमें देखो इसको जब करें अपने फोन का डाटा बैकअप लेके करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अभी जो करंट टाइम पे फोन्स आ रहे हैं इसमें एसडी कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एसडी कार्ड का ऑप्शन ना होने की वजह से इसमें सेलेक्ट मार करने का ऑप्शन नहीं आता कि फोन और एसडी कार्ड दोनों को इराइज करना या नहीं करना, डायरेक्टली फोन स्टोरेज हो जाता है इराइज। तो इस बात का ध्यान रखें, उसको टोटल जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स या फिर वीडियोस कुछ भी फोटोज रखे सब डिलीट हो जाते हैं, इसलिए आप उसको पहले बैकअप रख लेना तभी जो है फैक्ट्री डाटा रीसेट को एक्सेस करना। आई होप कि आप समझे होंगे कैसे रीसेट ऑल सेटिंग को एक्सेस किया जाता है। एंड गाइस फिर भी इसके रिकॉर्डिंग कोई भी कंफ्यूजिंग आपके मन में होती है कमेंट सेक्शन नीचे है, आप में कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।